हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पब्लिकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सुमन कुमार आप सभी का आज के इस क्विक रिविजन सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि होंगे हमारे स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट के ऊपर, राइट। जो हमारी लास्ट क्लास रीजनिंग की हुई है उसमें हमने बेसिक्स किया है स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट का, ठीक है। कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिए। आज के इस सेशन में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। सभी को सबसे पहले क्या करना है, जैसा मैं कि हर एक क्लास में बोलता हूं कि इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमने इंस्ट्रक्शंस को गलत पढ़ा तो वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसे हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। 12 persons, 12 persons हैं, राइट, आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल के अराउंड 12 persons बैठे हुए हैं फेसिंग द आउटसाइड सेंटर, और सभी के सभी persons क्या हैं, आउटसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। देयर वॉज वन पर्सन ऑन ईच ऑफ द कॉर्नर्स, हर एक कॉर्नर पे एक पर्सन है, एंड टू पर्सन ऑन ईच ऑफ द साइड्स, और हर एक साइड पे दो पर्सन बैठे हुए हैं। यानी कि जो अरेंजमेंट हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। जो स्क्वायर टेबल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, सभी के सभी पर्सन आउटसाइड फेस कर रहे हैं, राइट, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। और टू पर्सन ऑन ईच ऑफ द साइड्स, टू पर्सन ऑन ईच ऑफ द साइड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये दिया गया हमारे पास, यही अरेंजमेंट बनेगा, राइट। अगर हम रफ डायग्राम बनाते हैं तो ये एक अरेंजमेंट का डायग्राम हमारा बनता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथ साथ। एच वॉज थर्ड टू द राइट ऑफ जे हु वॉज सीटेड एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। जे के बारे में क्या कहा है कि वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, राइट। जे के बारे में क्या कहा गया, यहां पे कॉर्नर पे बैठा हुआ, तो जे को चलो हमने यहां पे प्लेस कर लिया, जे को हमने कॉर्नर पे प्लेस किया। अब एच जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ जे है, ठीक है, तो एच हमारा इस पोर्शन पे आ जाएगा, राइट, यहां तक सही है। चलिए, एच और जे का प्लेसमेंट हमने कर लिया, आगे क्या है, के वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी हु इज अपोजिट टू एम। अब यहां पे के जो है वो जी के सेकेंड राइट पे है और जी जो है वो एम के अपोजिट में है। तो अभी हमें किसी भी पर्सन के बारे में जो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ा है तो उस पार्टिकुलर पर्सन के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी, राइट। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब एच और जे अगर हमारे पास है तो हम लिंक करेंगे यहाँ पे कि कोई भी स्टेटमेंट हम ऐसा चूज करें यहाँ पे जो कि एच और जे से रिलेटेड हो, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है जो हम फिगर ड्रॉ किए हैं उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन दी गई है, ई इज अपोजिट टू एच नेबर, एच के नेबर का, एच का जो नेबर है उसके अपोजिट में ई बैठा हुआ है। यानी कि सपोज एक बार हमने एच का नेबर ये लिया तो ई हमारा इस पोर्शन पे आ गया, राइट। अब दूसरा केस भी हम लेके चलेंगे, ये हमारा हो गया केस वन। एक और केस हम बनाते हैं, ठीक है, उसको भी हम लेके चलेंगे। क्योंकि यहां पे दो केस बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो ई का पोजीशन है वो दो डिफरेंट पोजीशन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट में दिया गया है उसके मुताबिक अलग अलग पोजीशंस पे ई जो है वो प्लेस हो सकता है। तो हम यहां पे जो भी केस हमारे बनेंगे उसको हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है। जे और एच हमारा यहां था, अब कहा गया था कि E is opposite to H neighbor. तो एक बार हमने H का neighbor ये लिया और एक बार हमने H का neighbor ये लेते हैं, जहां पे E का placement जो है वो मेरा ये आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास H, J और E तो पता चल गया, अब H, J और E से कौन सा स्टेटमेंट यहां पे रिलेट कर रहा है वो हम ढूंढ लेंगे यहां पे। H, J और E, ठीक है। D was seated opposite to N, ठीक है, अभी तो पता नहीं है हमें कि इसको हम कहां प्लेस करेंगे, लेकिन एक लाइन यहां पे ये दिया गया है, M एंड E वॉज सीटेड एट अ गैप ऑफ थ्री पर्सन, M और E के बीच में तीन पर्सन का गैप है, राइट। तो अगर तीन पर्सन का गैप है तो M तो यहां हो नहीं सकता है, राइट। तो M कहां पे होगा, तीन पर्सन के गैप पे, तो M हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। उसी तरीके से इस वाले फिगर में M जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, राइट, क्योंकि अगर हम E के राइट चलते हैं तो वहां पे H का प्लेसमेंट ऑलरेडी हुआ हुआ है तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, केस नंबर वन में। और ये हमारा है केस नंबर टू,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एच जे एम और ई हमें पता है, ठीक है, एच जे एम और ई हमें पता है, तो अब हम यहां से क्या रिलेट कर सकते हैं। अब देखो जी के बारे में कहा गया था कि जी इज अपोजिट टू एम, जी जो है वो एम के अपोजिट में है, और के वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, और के जो है वो जी के सेकेंड राइट पोजिशन पे है, के जो है वो जी के सेकेंड राइट पोजिशन पे है। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे स्टेटमेंट्स क्लियर हैं, जो हमने केसेस बनाए हैं केस वन एंड केस टू वो भी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सारे पर्सन अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हमने अरेंज कर लिया है। अब आगे हम पढ़ते हैं, अब हमारे पास तीन तीन छह पर्सन का जो अरेंजमेंट है वो हमें पता है। अब आगे देखते हैं कि कहां रिलेट कर रहा है, राइट। के वॉज सीटेड अपोजिट टू एफ नेबर, के वॉज सीटेड अपोजिट टू एफ नेबर। अब देखो के बारे में बोला गया कि वो एफ के नेबर के अपोजिट बैठा हुआ है, तो अगर हम के जो है ये अगर यहां पे है, राइट, तो एफ हमारा कहां पे हो सकता है, इस पोर्शन पे होगा, तभी इसके नेबर के अपोजिट में होगा। ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखिएगा, जब हम एफ को यहां पे प्लेस करेंगे और इसका नेबर जे होगा तभी के इसके अपोजिट में आएगा, तो एफ का तो प्लेस जो है वो फिक्स हो गया, हमारे पास एफ का प्लेस फिक्स हो गया, राइट। चलिए बहुत अच्छा, अब हम यहां पे इस वाले केस वन में भी हम फिक्स कर लेते हैं, तो एफ हमारे केस वन में कहां पे आएगा भैया, एफ के इमीडिएट नेबर के अपोजिट है कौन, के। एफ के नेबर के अपोजिट कौन है, के है, तो एफ कहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं हम कौन सा जो पोर्शन है वो यहां पे हमारा रिलेट हो रहा है और हम यहां पे बना सकते हैं। डी वॉज सिटेड अपोजिट टू एन, डी जो है वो एन के अपोजिट में बैठा हुआ है, डी जो है वो एन के अपोजिट में बैठा हुआ है। अब देखो यहां पे इस वाले फिगर में अगर हम डी यहां रखते हैं तो एन नहीं रख सकते, डी यहां रखेंगे तो नहीं रखते, एक ही प्लेस है हमारे पास डी और एन को प्लेस करने के लिए, डी और एन को प्लेस करने के लिए एक ही प्लेस है, तो अभी कंफर्म नहीं है कि कहां पे डी होगा कहां पे एन होगा, अभी हम उसे आगे कंफर्म करेंगे। उसी तरीके से इस वाले फिगर में भी हमारे पास सिर्फ यही पोजिशन है। अब हम यहां पे कंफर्म कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट और दिया गया है, डी वॉज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी जो है वो सी के थर्ड राइट पोजिशन पे है। अब सेकेंड वाले केस में, केस टू में थर्ड राइट है ना, तो अगर हम सी को यहां रख दें तो डी हमारा यहां पे कंफर्म हो जाएगा, डी यहां पे कंफर्म हो जाएगा, तो उस तरीके से एन कहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, राइट। इस वाले केस में सी के थर्ड राइट पे, सी के थर्ड राइट पे डी होना चाहिए, ठीक है, सी के थर्ड राइट पर डी होना चाहिए, तो यहां पे अगर हम करें प्लेसमेंट तो सी हमें यहां रखना पड़ेगा, इसके थर्ड राइट पे डी हमारा यहां पे आ जाएगा, उसी तरीके से एन हमारा इस पोजीशन पे हो जाएगा, राइट। अब सिर्फ दो ही प्लेस हमारे पास बच गए हैं, डी सिट्स अपोजिट टू एन, डी वॉज सिटेड अपोजिट टू एन, ठीक है, यहां तक सारे कंफर्म है हमारे पास। चलो अब देखो यहां पे, नाइदर डी नॉर एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई और जे, डी और एन में से कोई भी ई और जे का नेबर नहीं है, डी और एन में से कोई भी ई और जे का नेबर नहीं है, तो देखो इस वाले केस में, केस नंबर वन में यहां पे डी और एन जो है वो किसका नेबर हो रहा है, जे का नेबर हो रहा है, इसका मतलब ये केस क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, ये केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि वो नेबर आ गया है, और यहां पे जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डी और एन ना ही ई का नेबर है और ना ही जे का नेबर है, राइट। सेकेंड वाले केस में डी और एन को लेके ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, ई और जे का नेबर वो कहीं से भी नहीं आ रहा है। चलो यहां तक कंफर्म हो गया, एल वॉज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, एल जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई है, तो एल यहां हो जाएगा और आई हमारा यहां पे हो जाएगा। अब ये जो फिगर हमारा फाइनल अरेंजमेंट आया है यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा फाइनल अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का बन गया है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हमने स्टेटमेंट को यहां पढ़ा, ठीक है, बैक टू बैक हमने स्टेटमेंट्स को क्या किया, कनेक्ट किया, यहां पे कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, जब भी आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट को कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कनेक्ट नहीं करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम्स ये आती है कि रेंडमली अगर आप स्टेटमेंट उठाएंगे तो आप पॉसिबल केसेस नहीं बना पाएंगे, ठीक है, फाइनल अरेंजमेंट के ऊपर पहुंचने में आपको टाइम लग जाएगा, राइट, तो इसीलिए हमेशा स्टेटमेंट को कनेक्ट करिए, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुका है वो जो कंफर्म हो चुका है उस कंफर्म इंफॉर्मेशन से कनेक्ट बाकी स्टेटमेंट्स को करिए कि कहां पे कौन कनेक्ट हो रहा है, ताकि अच्छे तरीके से आपका
जो है पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करें, राइट। तो चलिए यहाँ पे ये फाइनल अरेंजमेंट हो गया, केस नंबर वन कैंसिल है, केस नंबर टू जो हमारा चल रहा था वो इस क्वेश्चन का फाइनल अरेंजमेंट बनता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो कुछ भी आ सकते हैं, राइट। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड आई, एच और आई के बीच में कितने पर्सन यहां पे बैठे हुए हैं, एच और आई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। सपोज ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो अब यहां गिवन फिगर में से हम क्या करेंगे, यहां पे देख लेंगे एच हमारा यहां पे है, आई यहां पे है, इसके बीच में कितने पर्सन है, भैया चार पर्सन है, तो फोर पर्सन आर सिटेड बिटवीन एच एंड आई। सपोज इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पूछे गए तो एक बार फाइनल अरेंजमेंट आपका जब आ जाता है तो फिर क्वेश्चन की कोई टेंशन नहीं है, चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन जो भी उससे पूछे गए हैं ठीक है वो आप आराम से फिर बना सकते हैं, राइट। चलिए बढ़ेंगे हम आगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन का सबसे पहले क्या करना है, क्या रूल है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। चलिए एट पर्संस हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, ठीक है, फोर ऑफ देम सिट्स एट द कॉर्नर, चार जो है वो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और बाकी के चार मिडिल ऑफ द साइड्स पे बैठे हुए हैं। द पर्सन हु सिट एट द कॉर्नर आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, जो पर्सन कॉर्नर पे हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और जो मिडिल ऑफ द साइड्स पे हैं वो आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो बना लेते हैं हम डायग्राम साथ ही साथ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, राइट। कंफ्यूजन में अगर हमने डायरेक्शन को अगर चेंज कर दिया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा हमारा। तो द पर्सन हु सिट्स एट द कॉर्नर फेसेस टुवर्ड द सेंटर, कॉर्नर वाले क्या है भैया, सेंटर की तरफ देख रहे हैं और मिडिल ऑफ द साइड्स वाले हमारे आउटसाइड की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। चलो जो पॉसिबल केस बनता जाएगा हम इसमें पुट करते जाएंगे, राइट। नहीं बना तो हमारे सिंगल फिगर में बन जाएगा, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे, सभी के सभी डिफरेंट कलर्स को लाइक करते हैं, पिंक ग्रीन पर्पल रेड ब्लू येलो ऑरेंज डिफरेंट कलर्स हैं जो कि सारे पर्सन लाइक कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये जरूरी नहीं कि वो सेम ऑर्डर में ही कर रहे हैं। आई लाइक ब्लू कलर, आई जो है उसको ब्लू कलर पसंद है। W sits immediate left of I. W जो है वो immediate left of I बैठा हुआ है। तो suppose एक बार हमने I को middle of the sides पे लिया और एक बार I को corner पे लिया, ठीक है। W sits immediate left of I. W जो है वो immediate left of I है, तो एक बार W यहाँ पे आ जाएगा, एक बार W यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये हमारे पास दो केस चल रहा है, केस नंबर टू ये है, केस नंबर वन ये है, राइट। I के बारे में बोला गया कि वो ब्लू कलर पसंद करता है, तो I के लिए ब्लू हो गया, I के लिए ब्लू कलर, ठीक है। यहां तक तो सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। ओनली टू पर्सन वेयर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वन हु लाइक ब्लैक कलर, डब्ल्यू और ब्लैक कलर वाले के बीच में, डब्ल्यू और ब्लैक कलर वाले के बीच में यहां पे दो पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू यहां पे है तो एक बार हम ब्लैक कलर को यहां ले लेते हैं, ठीक है। एक बार ब्लैक हमने यहां ले लिया, अब इसी सेम फिगर का हम एक और फिगर बनाते हैं, ठीक है। इसी सेम फिगर का एक और फिगर बना लेते हैं, जो भी पॉसिबल केस हमारे पास बन रहे हैं हम सारे केस को यहां पे लेके चलेंगे ताकि कंफ्यूजन कहीं से भी ना रहे, कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं से भी ना रहे, ठीक है। W हमारा यहां पे था, आई जो कि ब्लू पसंद करता है, अब यहां पे दो पर्सन W और ब्लैक वाले के बीच में था, तो अब यहां वाले केस में क्या करेंगे, ब्लैक को हम इस पोर्शन पे लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास एक और केस बनेगा 2A, इस वाले में W और ब्लैक के बीच में दो पर्सन है, तो सपोज हमने ब्लैक को यहां पे ले लिया केस नंबर 2 में, केस नंबर 2A में हम क्या करेंगे, ब्लैक की पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। ब्लैक की पोजीशन क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, क्योंकि पॉसिबल केस तो हमारे पास बन ही रहा है, अगर बन रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है ताकि जो भी बच्चे देख रहे हैं उनकी समझ में बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन आ जाए, राइट। चलो तो W यहां पे है भैया, आई जो है यहां पे है जो कि ब्लू पसंद करता है, और W और ब्लैक वाले के बीच में दो पर्सन हैं, ठीक है, हो गया चार। तो केस वन केस टू केस वन ए एंड केस टू ए, चार टोटल केस हमारे पास बन चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम, टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर, टी जो है इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है किसके, ब्लैक कलर वाले के, तो टी यहां पे हो जाएगा, इस वाले केस में टी यहां पे हो जाएगा, केस नंबर 1A में टी यहां पे होगा, केस नंबर 2A में टी हमारा यहां पे हो जाएगा क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा हुआ है। ओनली थ्री पर्सन वेयर सिटिंग बिटवीन जेड एंड एन, जेड और एन के बीच में
तीन पर्सन बैठे हुए हैं और जेड जो है वो नाइदर लाइक ब्लैक कलर नॉर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब यहां पे देखो जेड के बारे में क्या कहा गया कि जेड जो है वो ब्लैक कलर को पसंद नहीं करता है और ना ही वो टी का इमीडिएट नेबर है। टी का इमीडिएट नेबर अगर नहीं है जेड और जेड ब्लैक को भी पसंद नहीं करता है तो जेड का पोजिशन जो है यहां खत्म, दो जगह तो चला गया। अब जेड और एन के बीच में, जेड और एन के बीच में तीन पर्सन है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही प्लेस बच गया जेड और एन को लेके, यहीं पे हो सकता है, ठीक है, यहीं पे हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। जेड नाइदर लाइक ब्लैक नॉर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब जेड जो है यहां पे किस पोजीशन पे आ सकते हैं हमारे लिए जेड, देखो अब जेड यहां पे भी नहीं हो सकता, जेड भैया यहां पे भी नहीं हो सकता और जेड और एन के बीच में तीन पर्सन बोले गए हैं तो जेड को यहां रखेंगे तो एन यहां आएगा, पॉसिबल नहीं है। जेड को यहां रखेंगे एन यहां आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। जेड को यहां रखेंगे एन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहां पे एक पॉसिबल केस हो सकता है कि हम जेड को यहां पे रखें और एन को यहां पे रखते, ठीक है। तो जेड और एन के बीच में तीन पर्सन भी हो जाएंगे, जेड नाइदर लाइक ब्लैक नॉर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए केस नंबर वन ए पे आते हैं। जेड जो है वो ना ही ब्लैक पसंद करता है और ना ही टी का इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो जेड और एन के लिए प्लेस कौन सा बच गया हमारे पास यहां पे, जेड और एन के लिए कौन सा प्लेस यहां पे बच गया। तो जेड यहां रखेंगे तो एन यहां हो नहीं सकता, जेड यहां एन यहां हो नहीं सकता है, जेड यहां एन यहां हो नहीं सकता है, तो जेड को यहां और एन को यहां रखेंगे, ठीक है। केस नंबर टू ए पे आते हैं। यहां पे जेड और टी, टी का इमीडिएट नेबर है, जेड यहां भी नहीं होगा, जेड यहां भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो जेड और एन के लिए कौन से प्लेस हमारे पास बच गए हैं, तो ये प्लेस है भैया जेड और एन, और एन और जेड कहीं भी हो सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। वन हु लाइक ऑरेंज कलर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन एंड दैट इज नॉट क्यू, ठीक है। ऑरेंज कलर वाला क्या है, एन के थर्ड राइट पोजिशन पे बैठा हुआ है, ऑरेंज वाला एन के थर्ड राइट पे पोजिशन पे है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले जिसमें हमारा एन कंफर्म आ चुका था उसको हम पहले करेंगे। तो एन के थर्ड राइट पे क्या है हमारा, ऑरेंज है, तो ऑरेंज कहां पे होगा भैया, यहां पे हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले फिगर में ऑरेंज कहां पे होगा, यहां पे हो जाएगा, क्योंकि थर्ड राइट में दिया गया है। अब आते हैं हम इस पे, थर्ड राइट पे ऑरेंज बोला गया है, ठीक है। तो अब यहां पे कहां हो सकता है, क्योंकि एन और जेड को लेके जो है वो कंफर्म पोजिशन हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो वो कहां पे होगा हम चेक कर लेते हैं एक बार। कुछ और यहां पे स्टेटमेंट दिया गया है, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लैक कलर। क्यू जो है वो ब्लैक कलर वाले पर्सन के थर्ड लेफ्ट पोजिशन पे है, तो क्यू यहां पे हो जाएगा। अगर क्यू यहां पे होगा तो एन और जेड का पोजिशन तो खत्म, यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है, तो ये फिगर एलिमिनेट हो गया। आते हैं हम सेकेंड वाले केस पे, ब्लैक वाले के, Q sits third to the left of the one who likes black. तो Q यहां पे आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी इस केस जो है वो गलत हो गया। आते हैं केस नंबर 1A पे, ब्लैक वाले के थर्ड लेफ्ट पे Q है, ब्लैक वाले के थर्ड लेफ्ट पोजिशन पे Q है। अब कैसे होगा यहां पे देखो, Q sits third to the left of the one who likes black color. Third left of the one who likes ब्लैक कलर। तो यहां पे देखो Q और N को लेके क्या पोजीशन हमारे पास आ रहे हैं, यहां पे Q और N को लेके क्या पोजीशन आ रहे हैं हमारे पास, ब्लैक, ब्लैक की जगह अगर हम पुट करते हैं तो Q यहां पे आता है, ठीक है। और इस वाले पोजीशन में भी Q जो है वो हमारा थर्ड लेफ्ट अगर है तो यहां पे Q आ रहा है, राइट। चलिए तो यहां पे अगर Q आ रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं ना, देखो क्या कर सकते हैं, अगर Q यहां पे आ रहा है तो इस वाले केस में भी हम वो काम कर सकते हैं कि चल टी का नेबर नहीं है ना, ठीक है, टी का नेबर नहीं है, तो एक बार हम फिक्स कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है, एक बार हम इस चीज को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक तो हमारा फिक्स था, राइट। दो पर्सन डब्ल्यू और ब्लैक के बीच में थे और क्यू जो है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ ब्लैक था, तो अभी हम जेड और एन को मान लो यहां से हमने हटा दिया तो क्यू यहां तो प्लेस हो चुका है, ठीक है। तो जेड और एन के लिए हमारे पास कौन सा प्लेस बच गया, ये बच गया हमारे पास जेड और एन के लिए, और एन और जेड के लिए रह गया ना ये प्लेस हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे अगर हम करेंगे क्यू को तो क्या हमारे पास वो आता है, ये चलो ये केस तो कैंसिल होगा ही, ये तो कंफर्म है। केस नंबर वन पे आते हैं हम, यहां पे
तो यहां पे अगर हम क्यू प्लेस कर रहे हैं तो वो डब्ल्यू के पोजिशन पे आ रहा है, तो ये तो कैंसिल है ही। केस नंबर 2A में अगर हम करें कुछ चेंजेस तो वो चेंजेस हो सकते हैं, राइट। क्या था हमारे पास दिया हुआ था कि जेड नाइदर लाइक ब्लैक कलर नॉर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ठीक है, टी का इमीडिएट नेबर नहीं था, चलो हम मान लेते हैं इस चीज को। क्यू को हमने यहां रख दिया, जेड को यहां रख दिया, राइट, और एन को यहां रख दिया, ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। तो अभी पास दो हमारे केस कंटिन्यू हुए हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2A, राइट। चलो, द वन हु लाइक्स ऑरेंज कलर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन के थर्ड राइट पे कौन है भैया, ऑरेंज कलर वाला है, ये भी हमें फिक्स करना था ना। तो थर्ड राइट पे ऑरेंज कलर वाला है, तो ऑरेंज कहां पे हो जाएगा, यहां पे, करेक्ट है। इस वाले केस में एन के थर्ड राइट पे ऑरेंज है अगर, ठीक है। क्यू के बारे में क्या बोला गया था, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर, ये तो फिक्स हो गया। टी और ई के बीच में एक पर्सन है, टी और ई के बीच में एक पर्सन है, तो ये फिक्स हो गया। यहां पे टी और ई के बीच में एक पर्सन है, तो ई यहां पे फिक्स हो गया, ठीक है। पिंक और रेड जो है इमीडिएट लेफ्ट पोजीशन पे है, ठीक है, उसको हम बाद में देख लेंगे कहां पे पोजीशन होगा वो, राइट। चलो, तो अब हमारे पास यहां पे कंफ्यूजन कहां पे हो रहा है, तो केस नंबर 1 में जेड और एन को लेके हो रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉइंट तो जरूर दिया होगा जिससे एलिमिनेट हो रहा होगा ये, ठीक है। अब जेड टी का इमीडिएट नेबर नहीं है अगर, तो जेड यहां पे होगा कंफर्म, और टी और एन यहां पे होगा कंफर्म, ठीक है। और एन के थर्ड राइट पे कौन था, यहां पे ऑरेंज कलर वाला पर्सन एन के थर्ड राइट पे है, तो ई के लिए क्या होगा हमारा, ऑरेंज हो जाएगा, राइट। यहां तक कंफर्म हो गया हमारा, बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट इसमें दिया होगा जिससे कि एलिमिनेट हो रहा होगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा वो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे कि यहां पे फिगर्स एलिमिनेट हो रहे हैं, राइट। चलिए, सारे पर्सन लगभग हमारे कंफर्म हो चुके हैं, राइट। एक पर्सन एच बच गया, एच के लिए ये पोजीशन हो गया, यहां पे एच के लिए कौन सा पोजीशन आएगा, तो एच के लिए पोजीशन आएगा ये, ठीक है। पर्सन सारे मेरे कंफर्म हो गए हैं, कलर अब हमारे कंफर्म होने बाकी रह गए। एक बार हम शुरू से अब मैच करेंगे, ठीक है, शुरू से मैच करके चलेंगे। W sits immediate left of I, ठीक है। Only two persons sit between W और ब्लैक वाले के बीच में दो पर्सन हैं, करेक्ट है। T immediate left of the person who like black color, ये भी सही है। चलिए, थ्री पर्सन सिटिंग बिटवीन Z और N, बिल्कुल सही। Z neither like blacks nor is an immediate neighbor of the T, Z neither like black nor is an immediate neighbor of T, बिल्कुल सही है। The one who like orange color sits third to the right of N, third to the right of N and that is not Q, ठीक है, third to the right of N and that is not Q, ये भी सही है। Q sits third to the left of the one who likes black color, Q जो है third left of the one black color के है, ये भी सही है। यहां तक तो सही है, दोनों ही फिगर सही आ रहे हैं। Only one person sitting between T and E, T और E के बीच में एक person से, ये भी सही आ रहे हैं। The one who likes pink does not sit at the corner. Pink वाला corner पे नहीं है। Pink वाला अगर corner पे नहीं है, तो या तो W, या तो Q, या तो T. Q, W और T में से कोई pink color होगा? होगा, right? अब यहाँ पे बोला गया है कि W does not like pink color. W के बारे में बोला गया pink color नहीं है। तो अब बच गया हमारे पास कौन? T और Q बच गया। T और Q हमारे पास pink color वाले बच गए हैं सिर्फ। और पिंक कलर के वाले में एक लाइन दिया गया था कि वन हु लाइक्स पिंक कलर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड कलर, ठीक है। तो एन के लिए मान लो कि रेड हो गया और टी के लिए पिंक हो गया। उसी तरीके से इस वाले फिगर में कहां पे हम प्लेस करेंगे, तो यहां पे रेड हो जाएगा और जेड के जगह क्या हो जाएगा हमारा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। इतने तो हमारे कवर हो चुके हैं। डब्ल्यू पिंक कलर पसंद नहीं करता है, वो हो चुका है हमारा। Q does not like green color, Q को green color पसंद नहीं है, ठीक है। The one who likes green color sits immediate left of the one who likes yellow color, ठीक है, immediate left of the one who likes yellow color। अब यहां पे Q को green पसंद नहीं है, तो इस दोनों में क्या ऐसा अरेंजमेंट बन रहा है जहां पे हम green और yellow को put कर सकते हैं, तो नहीं बन रहा है, तो ये फिगर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस वाले हम देखते हैं, Q के बारे में बोला ग्रीन नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो यहां पे तो हम कर सकते हैं ना ग्रीन, और इसको
येलो, तो ये अरेंजमेंट हमारा सही हो जाएगा कि द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो कलर, ये अरेंजमेंट क्या सही हो गया हमारा। अब बच गया 1% का कलर, वो कौन सा होगा? तो 1% का कलर हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे पर्पल। पर्पल हमारे पास अभी नहीं आया है, तो पर्पल जो है वो टी के लिए हो जाएगा। तो ये फाइनल अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का बनता है। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना लेंदी था, यहाँ पे 4 केस आपके बन के आए थे, राइट, 4 केस बना। अब ऐसे क्वेश्चंस लेंदी जब भी आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, राइट, और अगर ज्यादा टाइम टेकिंग है वो क्वेश्चन, तो प्लीज इस क्वेश्चन को इग्नोर करके जो क्वेश्चंस इजी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए क्वेश्चंस को और उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इतना टाइम अगर आप देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी पेपर था, राइट, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो लेंदी था क्योंकि 4 केस इसमें बने हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ये जो है फाइनल अरेंजमेंट हमारा बनता है, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, अब उसका जवाब जो है आप आराम से दे सकते हैं। चलिए, तो जितने बच्चे जिनका नहीं बना है इस क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से पढ़ के समझ के और सभी लोग जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा, राइट। चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों को आज का ये सेशन, जो भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है, कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। अगर आप सभी लोगों को पसंद आया है आज की ये सेशन, आज के क्वेश्चंस, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, राइट, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग जाइए रिसप एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, नोटिफिकेशन जो आइकन है बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट सेशंस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, राइट। चलिए, तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।